नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नाना क्लासेस इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम कर रहे हैं आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश के लिए पीवाईक्यूज़। ये जो पीवाईक्यूज़ हैं ये मैंने आरपीएससी कॉलेज लेक्चर एग्ज़ाम 2016 से लिए हैं, और आज का वीडियो जो है वो पार्ट 3 होगा। इससे पहले दो पार्ट जो हैं वो अपलोड किए जा चुके हैं, और हर पार्ट में हम 10 एमसीक्यूज़ और उससे रिलेटेड एक्सप्लेनेशन को डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, यानी कि जो उस एग्ज़ाम पेपर है उसका 20 क्वेश्चन जो है हम डिस्कस कर चुके हैं, और ये 21वां क्वेश्चन है। फिलिप सिडनीज आर्केडिया इज, ऑप्शन है हमारे पास एन एपिक पोइम, अ वर्स ड्रामा, अ प्रोज रोमांस एंड अ बैलेट। सो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, अ प्रोज रोमांस। द काउंटेस ऑफ पेम्ब्रोक्स आर्केडिया, ऑल्सो नोन सिंपली एज आर्केडिया, तो इसका फुल टाइटल जो है वो है द काउंटेस ऑफ Pembroke's Arcadia, is a long prose pastoral romance by Sir Philip Sidney written towards the end of the 16th century. The Arcadia is Sidney's most ambitious literary work by far and as significant in its own way as his sonnets. So, बहुत ही important work है। इसका जो genre है वो है drama and prose, और ये publish हुआ था 1593 में। Next question है, Which of the following plays resulted in the closure of all theatres? तो हमें वो play identify करना है जिसके मतलब theater होने के जिसके premiere होने के बाद या उसको perform किए जाने के बाद जो theater हैं उनको बंद कर दिया गया था। Options है हमारे पास All Fools, The Isles of Dogs, The White Devil या The Poetaster. So right answer हो जाएगा इसका option B, The Isles of Dogs. एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द आइल्स ऑफ डॉग्स इज अ प्ले बाय थॉमस नैश एंड बेन जॉनसन। तो थॉमस नैश और बेन जॉनसन ने इसको कलेक्टिवली लिखा था, विच वॉज परफॉर्म्ड इन 1597। इट वॉज इमीडिएटली सप्रेस्ड एंड नो कॉपी ऑफ इट इज नोन टू एग्जिस्ट। तो इसको हाथों हाथ जो है वो सप्रेस कर दिया गया था, और इसकी सभी कॉपीज जो है वो जला दी गई थी। बेन जॉनसन द आइल्स ऑफ डॉग्स वॉज सो कॉन्ट्रोवर्शियल बिकॉज ऑफ द प्लॉट ऑफ द प्ले। तो इसका प्लॉट कुछ ऐसा था कि ये कंट्रोवर्सी में आ गया था, विच द अथॉरिटीज ऑफ द टाइम टुक इन द वर्स्ट पॉसिबल वे। अनफॉर्चुनेटली द कंटेंट ऑफ इट इज इनकम्प्लीट बिकॉज द पुलिस बर्नड ईच कॉपी ऑफ द स्क्रिप्ट। तो इसको जला दिया गया था, हालांकि इसकी परफॉर्मेंस हो चुकी थी, बट परफॉर्मेंस देखने के बाद इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेक्सपियर इनकॉर्पोरेट्स लिविज अकाउंट ऑफ टार्क्विन्स लस्ट इन अ नरेटिव वर्क कॉल्ड। तो कौन सा ऐसा वर्क है जिसमें टार्क्विन्स की लस्ट को दिखाया गया है? ऑप्शन है हमारे पास सिम्बलिन, वीनस एंड एडोनिस, द रेप ऑफ ल्यूक्रेस और टाइटस एंड्रोनिकस। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द रेप ऑफ ल्यूक्रेस। द रेप ऑफ ल्यूक्रेस जो कि पब्लिश हुआ था 1594 में, इज अ नरेटिव पोम बाय विलियम शेक्सपियर अबाउट द लेजेंडरी रोमन नोबल वुमन ल्यूक्रेशिया। द पोइम बिगिंस विद अ प्रोज डेडिकेशन एड्रेस्ड डायरेक्टली टू द अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, विच बिगिंस, द लव आई डेडिकेट टू योर लॉर्डशिप इज विदाउट एंड। द पोइम कंटेन्स 1855 लाइन्स divided into 265 stanzas of 7 lines each. तो देखिए 1855 लाइन की एक पोइम है जिसको 265 stanzas में डिवाइड किया गया है, और हर स्टैंडा में 7 लाइन्स है। द मीटर ऑफ ईच लाइन इज आयम्बिक पेंटामीटर, द राइम स्कीम ऑफ द ईच स्टैंडा इज ए बी ए बी 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 सी सी। तो ये 7 लाइन का जो स्टैंडा है उसकी ये राइम स्कीम है, ए बी ए बी बी सी और सी, अ फॉर्मेट नोन एज राइम रॉयल। तो ये जो है राइम रॉयल का फॉर्मेट है, विच हैज़ बिन यूज बाई जॉफरी चौसर, जॉन मिल्टन एंड जॉन मैसफील्ड। तो जॉफरी चौसर ने शुरुआत की थी राइम रॉयल स्टैंजा की। तो ये है रेप ऑफ ल्यूक्रेस की डिस्क्रिप्शन। इसके करेक्टर्स भी देख लेते हैं। ल्यूक्रेस जो है दैट इज एन ऑनरेबल वुमन, और जो कॉलेटाइन है वो है ल्यूक्रेस के हस्बैंड, अ सोल्जर इन द रोमन आर्मी, और टार्क्विन जो है वो है रोमन सोल्जर हु रेप्स ल्यूक्रेस। ल्यूक्रेटियस जो है वो है ल्यूक्रेस के फादर, और ल्यूशियस टार्क्विनियस जो हैं उनको टार्क्विन द प्राउड भी बोला जाता है, जो किंग ऑफ रोम है और टार्क्विन के फादर हैं। द वर्क एनाटॉमी ऑफ मेलनकली वॉज रिटन बाय, तो एनाटॉमी ऑफ मेलनकली जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन है हमारे पास फ्रांसिस बेकन, थॉमस लॉज,
रिचर्ड बुकर या थॉमस, सॉरी रॉबर्ट बर्टन। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट बर्टन। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सबसे पहले इसका फुल टाइटल देखते हैं। इसका फुल टाइटल जो है वो बहुत बड़ा है। फुल टाइटल है द एनाटॉमी ऑफ मेलेंकली व्हाट इट इज विद ऑल द काइंड्स कॉजेज सिम्टम्स प्रोग्नोस्टिक्स एंड सेवरल क्योर्स ऑफ इट इन थ्री मेन पार्टीशंस विद देयर सेवरल सेक्शंस मेंबर्स एंड सब सेक्शंस फिलोसॉफिकली मेडिसिनली हिस्टोरिकली ओपन्ड अप ओपन्ड एंड कट अप। तो इतना बड़ा टाइटल है इसका। और द एनाटॉमी ऑफ मेलेंकली इज अ बुक बाय रॉबर्ट बर्टन एंड फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1621। तो 1621 में ये पहली बार पब्लिश हुई थी। ऑल दो प्रेजेंटेड एज अ मेडिकल टेक्स्ट, हालांकि ये एक मेडिकल से रिलेटेड बुक है, द एनाटॉमी ऑफ मेलेंकली इज एज मच एन यूनिक वर्क ऑफ लिटरेचर एज इट इज अ साइंटिफिक और फिलोसॉफिकल टेक्स्ट, बट बर्टन कवर्स फार मोर देन द टिट्यूलर सब्जेक्ट। तो हालांकि ये मेडिकल से रिलेटेड बुक है, बट फिर भी इसको एक यूनिक वर्क माना जाता है लिटरेचर का। थोड़ा और एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो है वो मुझे मिला, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। बर्टन्स सॉलोमन टोन एंड हिज एंडेवर टू प्रूव इनडिस्प्यूटेबल फैक्ट्स बाई वेटी कोटेशंस वर रिडिक्यूल्ड बाई लॉरेंस टर्न इन ट्रिस्टैम शैंडी। तो लॉरेंस टर्न का जो वर्क है ट्रिस्टैम शैंडी, उसमें इसकी जो कोटेशंस हैं और फैक्ट्स हैं उनको रिडिक्यूल किया गया है। स्टर्न ऑल्सो मॉक्ड बर्टन्स डिवीजन इन द टाइटल्स ऑफ हिज चैप्टर्स एंड पैरोडीड हिज ग्रेव एंड सोवर अकाउंट ऑफ सिसरोज ग्रीफ फॉर द डेथ ऑफ हिज डॉटर ट्यूलिया। तो देखिए, जो भी डिवीजन्स इन्होंने किए हैं, टाइटल्स दिए हैं, उनको भी मॉक किया गया है और रिडिक्यूल किया गया है। तो ये यूजीसी नेट और सेट में पूछे जाने लायक क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेकन डिस्क्राइब्स हिज एसे एज। तो देखिए, बेकन का जो एसेज हैं उनको किस तरह से बेकन ने, फ्रांसिस बेकन ने डिस्क्राइब किया है। ऑप्शंस है हमारे पास रैंडम थॉट्स, डिस्पर्स्ड मेडिटेशंस, सेट ट्रीटीज और फोकस्ड डिस्क्रिप्शन। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, डिस्पर्स्ड मेडिटेशंस। बेकन वॉज फुली जस्टिफाइड इन डिस्क्राइबिंग हिज एसेज एज डिस्पर्स्ड मेडिटेशंस। ही ऑल्सो डिस्क्राइब्ड हिज एसेज एज ब्रीफ नोट्स सेट डाउन रादर सिग्निफिकेंटली देन क्यूरियसली, यूजिंग द वर्ड क्यूरियसली टू मीन एलेबोरेटली। इंडीड, बेकन रिगार्डेड द एसेज एज रिसेप्टिकल फॉर डिटैच्ड थॉट्स। तो देखिए, दो तीन तरह से इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता था। डिस्पर्स्ड मेडिटेशंस भी कहा है, ब्रीफ नोट्स भी कहा है, और रिसेप्टिकल फॉर डिटैच्ड थॉट्स भी रिगार्ड किया है। तो बेकन ने इतने सब नामों से अपने ऐसेज को बुलाया है। बेकन्स के ऐसे देख लेते हैं। फर्स्ट एडिशन जो इनके ऐसेज का आया था वो आया था 1597 में, और उसमें 10 ऐसेज थे। सेकेंड एडिशन आया था 1612 में, और दैट एडिशन वॉज इंक्लूडेड 38 एसेज। और थर्ड एडिशन जो कि 1625 में आया था, उसमें टोटल 58 एसेज इंक्लूडेड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज इज नॉट रिटन बाय थॉमस मिडल्टन। तो इनमें से कौन सा प्ले है जो थॉमस मिडल्टन ने नहीं लिखा है। ऑप्शन है हमारे पास द स्पैनिश जिप्सी, मैरी वाइफ्स ऑफ विंसर, द चेंजलिंग या वुमेन बिवेयर वुमेन। विमन बिवेयर विमन, इसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो विमन होगा। ऑप्शन में से जो राइट आंसर है वो है द मैरी वाइफ्स ऑफ विंसर, क्योंकि ये शेक्सपियर का लिखा हुआ एक वर्क है। मैरी वाइफ्स ऑफ विंसर और सर जॉन फॉलस्टफ एंड द मैरी वाइफ्स ऑफ विंसर, इन दोनों में से, ये दोनों ही इसके नाम हैं, इज अ कॉमेडी बाय विलियम शेक्सपियर, फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1602, दो बिलीव टू हैव बीन रिटन इन और बिफोर 1597। इट फीचर्स द कैरेक्टर जॉन फॉलस्टफ, सर जॉन फॉलस्टफ, द फैट नाइट हु हैड प्रीवियसली बीन फीचर्ड इन हैनरी फोर्थ पार्ट वन एंड पार्ट टू। तो देखिए, ये क्वेश्चन जो है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, ये क्वेश्चन भी यूजीसी नेट में पूछा गया है कि सर जॉन फॉलस्टफ का जो कैरेक्टर है वो कितने प्लेज में इंट्रोड्यूस किया गया है, या कुछ इस तरह का क्वेश्चन। तो तीन प्लेज देखिए, हेनरी फोर्थ का जो पार्ट वन है, पार्ट टू है, और मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर जो है, इसमें तीन प्लेज में हमें ये देखने को मिलता है।
कुछ ऑप्शंस में हमारे पास और भी प्लेस थे थॉमस मिडलटन के, उनको डिस्कस कर लेते हैं. द स्पैनिश जिप्सी इज एन इंग्लिश जेकोबियन ट्रेजिक कॉमेडी डेटिंग फ्रॉम अराउंड 1623. द प्ले वॉज लाइकली अ कोलेबोरेशन बिटवीन सेवरल ड्रामेटिस्ट इंक्लूडिंग थॉमस मिडलटन, विलियम राउले, थॉमस डेकर एंड जॉन फोर्ड. तो इन्होंने कलेक्टिवली इस प्ले को लिखा था. नेक्स्ट है चेंजलिंग. चेंजलिंग जो है वो भी एक जेकोबियन ट्रेजेडी है. थॉमस मिडलटन और विलियम रावले ने मिलकर इसे लिखा था और ये सबसे पहली बार पब्लिश हुई थी 1652 में. इसके जो सब्जेक्ट हैं वो ट्रेकरी और सिन से रिलेटेड हैं और इसका जो जॉनर है वो है ट्रेजेडी. विमेन विमेन बिवेयर विमेन इज अ जेकोबियन ट्रेजेडी रिटन बाय थॉमस मिडलटन. ये इन्होंने अकेले ने लिखी है, बाकी जो दोनों वर्क्स हमने देखे वो कलेबोरेशन में थे एंड फर्स्ट पब्लिश इन 1657. ये जो वर्क है वो बताता है स्टोरी बियंका, एक वुमेन है जो लिंटियो नाम के एक गरीब लड़के के साथ भाग जाती हैं और इसका सब्जेक्ट जो है वो है लस्ट. थॉमस डेकर्स प्ले मैच मी इन लंडन हैज़ अ प्लॉट दैट इज स्ट्रॉन्गली सिमिलर टू वुमेन बिवेयर वुमेन दो विद अ हैप्पी एंडिंग रादर दैन अ ट्रेजिक कंक्लूजन. तो देखिए जो थॉमस मिडलटन का वर्क है विमेन बिवेयर विमेन, इसका जो एंड है वो ट्रेजिक है, बट थॉमस डेकर का एक प्ले है मैच मी इन लंडन, तो उसका भी जो प्लॉट है वो बहुत सिमिलर है इस प्ले से, और बट इसका जो एंडिंग है दैट इज़ हैप्पी एंडिंग. द वाइट डेविल बाई जॉन वेबस्टर डिपिक्ट्स इटालियन सोसाइटी एज. तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये वाइट डेविल के बारे में है, जॉन वेबस्टर का ये वर्क है. तो ऑप्शंस है कि किस तरह की इटालियन सोसाइटी को ये डिपिक्ट करता है. ऑप्शंस है हाईली प्रोग्रेसिव, बी रिलीजियस एंड रिफाइंड, करप्ट एंड एविल, ऑनेस्ट एंड एथिकल. सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, करप्ट एंड एविल. द वाइट डेविल इज अ ट्रेजेडी बाय इंग्लिश प्ले राइट जॉन वेबस्टर. द स्टोरी इज लूजली बेस्ड ऑन एन इवेंट इन इटली 30 ईयर्स प्रायर टू द प्लेज कंपोजिशन, द मर्डर ऑफ विक्टोरिया एकरम्बनी ऑन 22 दिसंबर 1585. तो देखिए एक ट्रू स्टोरी पर ये बेस्ड है, जो कि ये जो प्ले जब लिखा गया था जॉन वेबस्टर ने वाइट डेविल लिखा था उसके लगभग 30 साल पहले ये घटना घटित हुई थी और विक्टोरिया नाम की ही जो लेडी है उनका मर्डर कर दिया गया था. वेबस्टर्स ड्रामेटाइजेशन ऑफ दिस इवेंट टर्न्ड इटालियन करप्शन इनटू अ व्हीकल फॉर डिपिक्टिंग द पॉलिटिकल एंड मोरल स्टेट ऑफ इंग्लैंड इन हिज ओन डे, पर्टिकुलरली द करप्शन इन द रॉयल कोर्ट. तो देखिए ये करप्शन और एविल को डिपिक्ट करता है. The play explores the differences between the reality of people and the way they depict themselves as good, white or pure. तो देखिए ये बात पढ़कर मुझे एक कहावत याद आती है कि हाथी के दांत जो होते हैं वो खाने के और दिखाने के और होते हैं. तो सेम यही जो चीज़ है इस प्ले में दिखाई गई है. जॉनर जो है वो है रेवेंज ट्रेजेडी और सेटिंग जो है वो इटली में है 1585 की. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स डज मेनोवा रिपोर्ट द एंड ऑफ द प्रोटैगनिस्ट इन मिल्टन सैमसन एगोनिस्ट. तो बहुत ही फेमस वर्क है मिल्टन का और जहाँ तक मुझे याद आ रहा है इन्होंने अपने अंतिम दिनों में इसे लिखा था. ऑप्शन है हमारे पास अवर क्योर, टू बी नो क्योर, सैड क्योर, दिस ऑरर. ऑप्शन बी है दिस हॉरर विल ग्रो माइल्ड, दिस डार्कनेस टाइट. ऑप्शन सी काम ऑफ माइंड ऑल पैशन स्पेंड. ऑप्शन डी अबाउट द स्मोक एंड द स्टर ऑफ दिस डिम स्पॉट विच मैन कॉल अर्थ. तो मतलब अंत जो है वो इस वर्क का किन लाइन से होता है बेसिकली ये पूछा गया है. ऑप्शंस हमारे पास जो थे उनमें से सी ऑप्शन जो है दैट विल बी द राइट आंसर, काम ऑफ माइंड ऑल पैशंस स्पेंड. एक्सप्लेनेशन देखते हैं. सैमसन एगोनिस्ट इसका मतलब होता है सैमसन द चैम्पियन. इज अ ट्रेजिक क्लोजेट ड्रामा बाय जॉन मिल्टन. इट अपीयर्ड विद द पब्लिकेशन ऑफ मिल्टन्स पैराडाइज रीगेन्ड इन 1671. सैमसन एगोनिस्ट ड्रॉ ऑन द स्टोरी ऑफ सैमसन फ्रॉम द ओल्ड टेस्टामेंट. तो सैमसन की स्टोरी जो ओल्ड टेस्टामेंट में है वहाँ से ये स्टोरी जो है वो ली गई है. The final lines describes the catharsis, a catharsis that seems to take over at the end of the play. जो last lines हैं इसकी final lines हैं वो कुछ इस तरह हैं. His servants, he, with the new acquist of true experience from this great event with peace and consolation hath dismissed and calm of mind all passions spent. तो इस तरह से ये जो work है
ये एंट होता है, और मिनोवा जो है वो सैमसन के फादर हैं। नाइन्थ क्वेश्चन है, इन विच ऑफ हिज ट्रैक्ट्स डज मिल्टन से ही हु डिस्ट्रॉयज अ गुड बुक किल्स रीजन इटसेल्फ किल्स द इमेज ऑफ गॉड एज इट वेयर इन द आई। तो ये जो वर्क है ये मतलब कौन सा है, टेट्राकॉर्डन, एरोपेजेटिका, कोलेस्टेरियन या डे डॉक्ट्रीना क्रिस्टियाना। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, एरोपेजेटिका। बहुत ही फेमस वर्क है जॉन मिल्टन का। इसका पूरा नाम है एरोपेजेटिका, अ स्पीच ऑफ मिस्टर जॉन मिल्टन फॉर द लिबर्टी ऑफ अनलाइसेंस्ड प्रिंटिंग टू द पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड। और ये पब्लिश हुआ था 1644 में। ये एक प्रोज पोलेमिक है जिसका मतलब होता है अ स्पीच और पीस ऑफ राइटिंग दैट आर यूज वेरी स्ट्रांगली फॉर और अगेंस्ट समबडी और समथिंग बाय द इंग्लिश ऑथर जॉन मिल्टन अपोजिंग लाइसेंसिंग एंड सेंसरशिप। तो जो लाइसेंस एक्ट आया था उसके खिलाफ उन्होंने ये वर्क लिखा था, उसको ये सही नहीं मानते थे। एरोपेजेटिका इज अमंग हिस्ट्रीज मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एंड इम्पैशन्ड फिलोसफिकल डिफेंसेज ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो जो अभिव्यक्ति का अधिकार होता है उसके फेवर में ये जो वर्क है वो लिखा गया था, और लाइसेंसिंग एक्ट जो पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड ने पास किया था उसके खिलाफ ये वर्क लिखा गया था। लास्ट क्वेश्चन है, जॉन मिल्टन्स एलिलेग्रो इनवोक्स विच ग्रेस विद हुम ही मीन्स टू लिव। तो देखिए दो पॉइंट्स जो है वो एक तरह से जोड़े के रूप में, पेयर के रूप में पढ़ी जाती हैं, वो हैं ला एलेग्रो एंड इल पेंसरोसो। तो ला एलेग्रो की का क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें जो जॉन मिल्टन है किसे इन्वोक करते हैं, मर्थ, जॉय, हैप्पीनेस और लव। सो राइट आंसर हो जाएगा मर्थ। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, ला एलेग्रो इज अ पेस्टोरल पोएम बाय जॉन मिल्टन पब्लिश्ड इन 1645 पोएम्स। ला एलेग्रो विच मीन्स द हैप्पी मैन इन इटालियन has from its the first appearance between been paired with the contrasting pastoral poem Il Penseroso. Il Penseroso ka matlab hota hai the melancholy man, which depicts a similar day spent in the contemplation and thought. Milton follows the tradition classical hymn model when the narrator invokes mirth or euphrosyne and her divine parentess. तो देखिए euphrosyne जो है वो goddess of good cheer and joy and mirth होती हैं, और narrator जो है वो continue इसको request करते रहते हैं mirth को to appear with zest and youthful jollity. तो thank you very much for watching these videos. I hope that these questions will be helpful in your preparation. तो जल्दी ही मिलते हैं अगले video में।